वाराणसी से सुजानगढ़ संत विज्ञान देव महाराज का सुजानगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। नगर परिषद के उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजाणिया ने बताया कि वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर से विज्ञान देव महाराज को बग्घी में सवार करके भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा में विहंगम योग के ध्वज लहराते हुए लोग भजनों की धुनों पर कीर्तन करते हुए चल रहे थे। स्टेशन रोड, घंटाघर, गांधी चौक आदि स्थानों से होकर शोभा यात्रा महेश्वरी भवन पहुंची, जहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विज्ञान देव महाराज ने कहा कि वाराणसी में आगामी दिसंबर माह में 25,000 कुंडी हवन प्रस्तावित है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु भाग लें। उन्होंने सुजानगढ़ के लोगों को भी इस भव्य धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए न्योता दिया। इस अवसर पर मदनलाल मंगोनिया, इंद्रचंद तंवर, मदनलाल मटोलिया, मनोज टेलर, संजय भामा, गिरधारी मुचीवाल, इसपाल बिजाणिया, मनोज प्रजापत, राकेश माणी, संदीप शर्मा, सारण प्रजापत, किला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। सुजानगढ़ के रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित सर्वोदय ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में राजस्थान महिला कल्याण मंडल चूर के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह की रोकथाम विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान निदेशक आनंद कुमार सेन ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कपिल भाटी ने कहा कि समाज में बाल विवाह बड़ी कुरीति होती है, इसलिए पूर्णतया निवारण इसका आवश्यक है। इसलिए अगर कोई बाल विवाह किसी भी जगह पर होने की जानकारी मिले तो हमें तुरंत प्रभाव से प्रशासन को अवगत करवाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि रिजवान खान ने भी विचार व्यक्त किए। इससे पहले अतिथियों का स्वागत सोहेल अगवान, अजहरुद्दीन, महेंद्र भाटी आदि ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेता भव्या सेन, गुनगुन, मुनमुन, जानवी सेन, दिलीप सिंह आदि को सम्मानित किया गया। नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, वहीं संचालन अक्षिता शर्मा ने किया। हमारे सर्वोदय स्कूल इंग्लिश मीडियम कैंपस में राजस्थान महिला कल्याण मंडल चूरू और हमारे विद्यालय सर्वोदय ज्ञान मंदिर शिक्षण संस्थान दोनों के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और उसके रोकथाम के उपाय बच्चों को बताए गए और बच्चों को ये भी बताया गया कि आप भी समाज में जो भी अपने आसपास ऐसा अगर पाया जाता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस कंट्रोल रूम या तहसीलदार महोदय या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी बाल विवाह के रोकथाम में तो आप प्रेषित कर सकते हैं और जहाँ तक संभव हो उसके बाल विवाह को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बच्चों द्वारा नाटिका प्रस्तुत की गई जागरूकता कार्यक्रम के तहत और अपने विचार व्यक्त किए गए बच्चों के द्वारा और आगंतुक अतिथियों के द्वारा और विद्यालय परिवार समय समय पर ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है और अतिथियों का और कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों का स्वागत सम्मान किया गया। सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का बागड़ा भवन में स्वागत किया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन भी किया गया। सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर सुजानगढ़ में विधानसभा तहसील के आंदोलनकारी सहयोगियों को माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि जनहित संघर्ष मोर्चा के संघर्ष की बदौलत राजस्थान सरकार को मजबूर होकर सुजानगढ़ को जिले की घोषणा करनी पड़ी है, जो महत्वपूर्ण भी घोषणा निकली है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें इसके लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। कॉमरेड रामनारायण रुलानिया ने कहा कि जिले के संघर्ष को सफल बनाने के लिए धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जनता का आभार प्रकट किया जाएगा और अगर माहौल ऐसा बना तो जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल को विधानसभा चुनाव भी लड़वाया जाएगा। एडवोकेट मनवाला ने कहा कि जिले की लड़ाई के साथ साथ सुजानगढ़ और विदासपुर में सिंचाई के लिए नहर के पानी की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। इस अवसर पर नारायण गोदारा, लूनाराम बावली, पुष्पानाराम बिजाणिया, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, जगदीश सोनी, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, ओम प्रकाश सोनी, जगदीप बेड़ा आदि लोग मंचस्थ रहे। वहीं कॉमरेड दीनदयाल गुलेरिया, कुमाराम नेपाल, ओम प्रकाश चूड़ी, जगदीप सोनी, गोपाल बिजाणिया आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। बैठक में पवन पारे, जगदीप बेड़ा, रघुनंदन प्रसाद, लियाकत खान, गोपी शिमशाह, सत्यनारायण माणी, सुदीप नेहा, विक्रम सासी, नदीम बड़गोजर, सतनाम, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, विजय कुमार, महावीर, जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा बागड़ा भवन में सुजानगढ़ जिले के आंदोलन में सहयोग करने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों का अभिवादन ज्ञापित किया गया और इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि अब जनहित संघर्ष मोर्चा
वार्ड वह पूरे विदासरू व सुजानगढ़ देहात क्षेत्र में गांव गांव जाकर के जिले के आंदोलन में जिन्होंने सहयोग किया सभी ग्रामीण जनों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वह जो हमारी लड़ाई अभी अधूरी है जिले की, उस लड़ाई को भी पूर्ण करेंगे। वह आगामी हमारी आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नहर की लड़ाई लड़ेंगे ताकि सिंचाई के लिए नहर की मांग नहर ला सके। और अगर ग्रामीण क्षेत्र व शहर की जनता ने आशीर्वाद दिया और जनित संघर्ष मोर्चा के हाथ मजबूत करेंगे कि जनित संघर्ष मोर्चा को आप मैदान में उतारो, तो हम हमारे साथी एडवोकेट राम कुमार मेघवाल को जनता के अभिवादन और सहयोग से और उनके आशीर्वाद से मैदान में उतारेंगे वर्तमान विधानसभा चुनाव में। और साथी एडवोकेट राम कुमार मेघवाल को हम विधानसभा में पहुंचाने का पूरा प्रयास कराएंगे जनता के आशीर्वाद से। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ में सोमवार की शाम को मौसम ने पलटा मारा, जिसके चलते तापमान में गिरावट नजर आई। दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहे, शाम होते होते धूल भरी आंधी के साथ ठंड नेवा चली, जिससे मौसम में कुछ ठंडक की दस्तक का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि सर्दी जल्दी ही क्षेत्र में दस्तक दे सकती है।